बॉलीवुड के 100 साल की हिस्ट्री में सैकड़ों एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर काम करने आए। इनमें से कई ने एक चांस पाने के लिए सालों साल स्ट्रगल किया, तो कई को केवल इसलिए मौका मिल गया कि वो किसी एक्टर की बेटी या किसी डायरेक्टर के बेटे। आज बात उन स्टार किड्स की जो साल 2023 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले। इस लिस्ट में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान से लेकर अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा तक का नाम शामिल है। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। सबसे पहले बात डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज की। ये बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म कुत्ते से फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं। फिल्म में तब्बू, नसरुद्दीन शाह, अर्जुन कपूर, राधिका मदान और शार्दुल भारद्वाज जैसे एक्टर काम कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर राकेश रोशन की बेटी और ऋतिक रोशन की कजन सिस्टर पश्मीना रोशन फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड से डेब्यू करेंगी। ये फिल्म 20 साल पहले रिलीज हुई शाहिद कपूर की फिल्म इश्क विश्क के आज के दौर का वर्जन है। इसमें रोहित शराफ, बाल कलाकार जिब्रान खान और नैला ग्रेवाल जैसे एक्टर नजर आएंगे। सलमान खान ने कई कलाकारों को मौका दिया है। उनकी सिस्टर अलवीरा और एक्टर अतुल अग्नोत्री की बेटी अली जेह इस साल डेब्यू करेंगी। ये नेशनल अवार्ड्स विनर फिल्म मेकर सोमेंद्र पाथी की फिल्म में नजर आएंगे। इस साल डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म द आर्ची रिलीज हो रही है। इसमें 3 स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम पठान यानी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का नाम है। वहीं इसी फिल्म से श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर भी डेब्यू करेंगी। श्वेता बच्चन के बेटे और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा भी जोया अख्तर की फिल्म द आर्ची से ही करियर की शुरुआत करेंगे। ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी। इसका टीजर 2022 में आ चुका है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी इस साल डेब्यू करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलक सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में दिखेंगी। करण जौहर ने अपने प्रोडक्शन हाउस से आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर, वरुण धवन, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर जैसे कई स्टार किड्स को लॉन्च किया है। इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है। वो नाम है संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया का। ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बेधड़क में नजर आएंगे। सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म में काजोल भी मेन रोल में नजर आएंगे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वो फिल्म महाराजा से डेब्यू करने वाले हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट का वो रोल करेंगे। वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कैमरे के आगे नहीं बल्कि उसके पीछे की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी फिल्म के नाम का ऐलान और स्टार कास्ट की कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वो जल्द ही फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। आज के दौर में जहां बॉलीवुड में भाई भतीजावाद की बहुत चर्चा होती है, वहीं इन स्टार किड्स पर अपने लॉन्च को सही साबित करने का दबाव भी होता है। ये स्टार किड्स फिल्म की दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।